ये कौन है भाई? कौन है ये? सच में ये कौन है? कोई मिल गया का जादू वापस से तो नहीं आ गया ना शक्तियाँ लेके अपनी? हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। हे कौन ये? अरे इतने गर्म कुर्ती? ओ भैया धोखा! इसका कोई फिक्स नहीं है क्या? वो क्या कपड़े पहन ले? कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें टी शर्ट होती है। ये जादू बन के घूम रही है। कुछ भी कहो भाई, अगर हीरो में रणवीर सिंह को निकाल देना तो एकमात्र ये एक ऐसी पीस बचती है जो कुछ भी पहन के आ सकती है। अरे कई दफा तो डर लगता बिना कपड़ों के ना आ जाइए। तू समझा? एकदम सही ड्रेस बनाया भाई जिसने बनाया तो क्या, खाक बनाया, घर का पर्दा खोला, उसको सिल दिया एकदम बढ़िया से, इधर दो आंखें छोड़ दी, इधर पे सांस लेने के लिए है क्या कुछ होगा? अरे नहीं जाए तो सांस वही ठीक है, मर जाइए। ये तो पहन के आगे चलो समझ में आ रहा, लेकिन भाई तुम लोगों को ऐसा क्या है मीडिया वाले इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके इसको कवर करने पहुंच जाते हैं? और मेरे को ये समझ नहीं गिरता मीडिया वालों को पता कैसे चलता कि ये जा खा रही है या फिर ये खुद ही फोन करके बोलती है हेलो हाँ मैं इधर आ रही हूँ, तुम लोग आ जाओ, फोटो वीडियो खींच लेना मेरा, मैं थोड़ा कार्टून बन के आऊंगी, समझ रहे हो? तो आज कुछ ऐसे खतरनाक फैसल देखेंगे जिसको देखने के बाद आपके अंदर से आवाज आएगी। ये तो टट्टी है। अरे अंकल किसको बोल रहे हो आप? इसको जाड़े दो। वैसे अंकल कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जो दो गिलास में पानी रखा है पता नहीं किसके लिए रखा, जाओ अंकल उसको दे देना, वो उधर पानी से प्यासा बैठा होगा। अरे पानी लाओ। लेकिन यार अंकल ने गजब का रोस्ट मारा। हम लोग इधर ऐसे देख देख के रोस्ट मार रहे, उन्होंने लाइव ही मार दिया ऐसे करके। क्या है इसको, कितना लोग फोटो वीटो निकालते इसका, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सच में जैसा अंकल का रिएक्शन था ना वैसा हमारा भी रिएक्शन होगा अगर बगल में आ जाएगी तो। चल झूठा। अरे हमारा छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा के बगल में खड़े जाने गलती से, तो गरीब समझ के इसको कपड़े दान दे दे और क्या। गजब बेइज्जती। क्या यार इसको, वो देखो पीछे आंटी। आंटी देख रही है, ये गरीब लोग भी एयरपोर्ट पे आते है क्या? उधर देखो यार कितनी सारी पब्लिक है, वो फोन पूरा एकदम ब्लॉगिंग कर रहा है क्या मेरे भाई? उधर फोन चालू करके फ्लैश जला के बारिश आ रही है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बस यही है सब। अरे हम ही लोग हाँ, बोलिए उर्फी जी बोलिए ना। वो भाई साहब मेरे को तो लोगों का समझ नहीं गिरता है। चलो उर्फी फेमस है, कितना फेमस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इधर तुम लोग क्या, इधर तुम भीड़ लगा देते हो जिधर देखो उधर, ये मीडिया वाले पहुंच कैसे जाते हैं यार? कुछ तो गड़बड़ है। अरे ओ ओ ओ भाई पीछे देख, ऐसा कहीं गिर गया ना किसी के ऊपर चढ़ गया ना तो इतना मार पड़ेगा ना तेरे को, इधर पूरा सुझा देंगे। सॉरी उर्फी लाइक गुड़ का डल्ली, और ये जितने मीडिया वाले वो साले मक्खी, जैसे गुड़ के पीछे कैसे मक्खी भिन 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 करके जाते हैं, वैसे जिधर ऐसे जा रही है उधर मीडिया वाले इसको फॉलो कर रहे हैं, और जिनके पास कैमरा नहीं है वो सारे फोन में फोटो निकाल रहे हैं। शाबाश, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसी के लिए फोन दिया ना, माँ बाप को लगा बेटे को फोन दूंगा, साला मेरे को फोन पे बोलेगा पप्पा यहाँ पहुंच गया, मैं सेफ हूँ सुरक्षित हूँ, इधर साला इनकी वीडियो निकाल रहा है। गजब टूबी बाज आदमी। ये वीडियो नहीं है मेरे भाई, इसको MMS बोलते, घर जाएगा मार पड़ जाएगी, वीडियो डिलीट कर दूंगा घर जाने से पहले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? हाँ जबरदस्ती का फोन पे बात करते हो निकलने का, पता नहीं आगे कोई है भी कि नहीं है। गजब बेइज्जती है। आइला ये कैसा फैशन है यार, ये क्या पहन के आती है ये? कई बार तो मुझे लगता है ना गरीब लोगों से भी एकदम निचला गरीब यही है। ये फिर से एयरपोर्ट पहुंच गई भाई, एयरपोर्ट पे ऐसे कपड़े में जाती है, इसको सिक्योरिटी वाला कुछ बोलता नहीं है क्या? नहीं। इससे खतरनाक तो साले मीडिया वाले वो भी पहुंच जाते हैं। अरे भाई क्या तुमने एयरपोर्ट पे कमरा विमरा खुलवा रखा है क्या कि उधर ही कंबल तान के सो जाते हो, कोई नया सेलिब्रिटी आया तो? हाँ उठ जाने का, हाँ हेलो सर हेलो मैम करते करते। मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा ये लेटरिंग जैसा क्या पहन के आई है, मेरे को सच में नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम्हारी मनीष मल्होत्रा को फेल कर रखा है इसने, मनीष मल्होत्रा कहता था मैं हूँ सबसे बड़ा डिजाइनर, घंटे का डिजाइनर है, ऐसा डिजाइन करके दिखाओ तब मानू। और इनका भी सही है एकदम, इनको पता है एयरपोर्ट पे मीडिया वाले फॉलो करते करते आ जाएंगे तो एकदम जमझुमा के तो क्या ये पूरे कपड़े पहनना ही भूल गई। हाँ मीडिया वाले पूरा ना अंदर तक दिखाना कि हाँ सच में वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, कैसे उधर चक्कर मारने आ गए हैं, कहीं जाते वाते दिखते नहीं है सब, सिर्फ एयरपोर्ट पे घूमने आ जाते हैं उधर मीडिया वाले। उर्फी जी आपने जो नया फैशन किया है इस फैशन के बारे में हमें कुछ बताइए ना। अरे घंटा बताइए, उसको खुद को नहीं पता वो क्या पहन के आई है। बात तो सही है, जल्दबाजी में जो हाथ लगा वो पहन लिया, चाहे वो प्लास्टिक का डब्बा था या पर्दा था घर का कुछ पता नहीं है। चलो कम से कम यहाँ कपड़े तो पहन रखे इसने, ढक भी तो रखा सब, कई बार तो ये है ना देखो कैसे कपड़े पहन के आई है। देखो साला अंदर पहनने वाला कपड़ा बाहर पहन के आए।
अरे क्या घूटी है क्या तू? मेरे पे कपड़ा सिर्फ टांग दिया है। ये क्या है? और थोड़ा पीछे बस बस। बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन इसको पहन के आ रहा था, टांग के लिए आ रहा था। इसको ऐसे पूरा पहन के आते ना एकदम गजब लगती, सच बता रहा हूँ, हीरोइन से भी खतरनाक लगती। बात तो सही है। इसको कोई समझाओ, कपड़ों का आविष्कार ना इज्जत बचाने के लिए किया गया, इज्जत नीलाम करने के लिए नहीं किया गया, लेकिन इसको कौन समझाएगा? इसके पप्पा को बोलो, समझाएंगे वो? पप्पा क्या समझाएंगे? पप्पा तो भाई घुटनों का तेल बेचने से उनको फुर्सत कहाँ है, इधर बेटी का तेल खत्म हो जाएगा पूरा। क्या बात कर रहे बाबा? अरे अरबस, अरे इधर भी देखो, मीडिया वाले पहुंच ही गए। भाई मीडिया वाले महान है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये खुद है ना घर से फोन करके बोलती है, दो चार पांच बंदे आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, इसके अपने बंदे होंगे ये। अरे देवा, अगर तुमको फैशनेबल कोई अवार्ड बनता है तो इसको दे दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ दे दो, क्योंकि भाई इसने फैशन को बर्बाद करने का पूरा ठेका अपने माथे पे ले रखा है। अच्छा, रिक्शा रिक्शा, पीछे गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अब ये कौन सा नया प्राणी आ गया भाई जमीन पे? अच्छा अच्छा, ये स्पाइडरमैन है, लेडी स्पाइडरमैन। ये तो टट्टी है। स्पाइडरमैन इसको उधर से देख रहा होगा, अबे इंडिया में ऐसा स्पाइडरमैन चलता है? अरे इनके घर में सीसा वीसा लगवाओ यार, इनको क्या दिखता नहीं है क्या? मतलब तुम कुछ भी पहन के निकल जाते हो, मम्मी एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हम जो ये पहन के जा रहे हैं लोग हम पे थूकेंगे, हंसेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं ताज्जुब तब नहीं मारता हूँ जब ये लोग कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, मैं ताज्जुब तब मारता हूँ जब लोग इनको फॉलो करते हुए, मीडिया वाले हेलो मैडम हेलो मैडम हेलो मैडम करते हुए पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने स्पाइडरमैन की कोई सीरीज नहीं बनाई, वरना उसके में ना लीड रोल करती है, और अगर ये लीड रोल करती तुम समझ सकते हो बॉलीवुड जो अभी थोड़ा सा खड्डे में गया, अभी पूरा एकदम जमीन में चला जाता। अली गोनी बन के आई हूँ। ये कौन आ गया भाई? क्या हुआ? आज तो सब फेल हो गए तुम्हारे सामने। ना? आज बढ़िया। ये कौन यार? हाँ, उर्फी का बहुत है। तो ये उसको डेडिकेट करते हैं। कौन है भाई ये कट्टे के अंदर? सच में नहीं समझ पा रहा कौन है ये आइडिया किसने दिया? क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? गोनी क्यों? ये सच में पागल पागल हो गया क्या? राखी सावंत भाई के अंदर, अरे तुम्हारी माँ का फैशन की माँ मेहन करके रख दी भाई लोग। घर का कट्टा उठा के, वो पता नहीं कूड़े का कट्टा था कि क्या था, उसको उठा के उसमें दो छेद करके उसको पेर के आगे उसको बना दिया तुमने फैशन। मैंने कई बार देखा भाई कि लोग कट्टे के कपड़े बना के पहनते, लेकिन वो हालात के मार रहे थे, थोड़े मजबूर रहते, लेकिन ये लोग महंगी महंगी गाड़ियों में चलते, कट्टा पहन के चलते, कुछ भी एकदम सही तरीका निकाला भाई, वेस्टेज का फुल प्रयोग करने का। अब है घर में कट्टा फेंकने जाएगी ना मम्मी मना कर दूंगा, फेंकने की जरूरत नहीं है, ऐसे पागल लोग है जिनको कट्टा दान में दे सकते। अच्छा, अगर फैशन ऐसा होता ना भाई तो हम सादा जीवन उच्च विचार ही ठीक है। आप लोग करते हो फैशन? करते हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, बाकी देखते हैं किसका बेट बजाना जिसका बजाना, मिलके देखेंगे। अभी फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी के लिए बाय बाय।